आप देख रहे हैं 575 ounces के इस मिड वीक पेशकश। और मिड वीक पेशकश इसलिए क्योंकि यार दोस्तों खबर थोड़ी बड़ी है, और खबर ऐसा नहीं है कि हमने प्रियम्प्ट नहीं करा था। जो भी जिसको भी बोला जा रहा था कि क्रिकेट शुरू हो रही है, सब लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, क्रिकेट शुरू हो रही है, जैसे मतलब जी कोरोना वायरस तो साइड ही हो गया है। लेकिन खबर उतनी बड़ी आई है यहाँ पे कि इसके बारे में बातचीत करनी जरूरी है। जेमी ऑल्टर हमारे भाई आज हमारे साथ शो पर नहीं है, लेकिन हमारे जो त्रिदेव है ना वो इनकम्प्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि आज उस त्रिदेव में हमारे लिए पाकिस्तान की बड़ी खबर है। तो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं हमारे लिए एक स्पेशल गेस्ट अब्दुल गफार, हु इज ऑफ कोर्स द स्पोर्ट्स हेड ऑफ डॉन न्यूज एंड ऑल्सो प्राइम टाइम एंकर ऑफ द स्पोर्ट्स शो रीप्ले। अब्दुल, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर। हेलो एवरीवन। निखिल ऑफ कोर्स हमारे साथ है यहाँ पे। अब्दुल, मैं सीधी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, तो आप मानोगे नहीं, जो हमारा जो ये शो ना, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो हम लोग उस पर अक्सर बातचीत करते हैं कि क्या बातें करें। तो काफी टाइम से, 2-3 हफ्ते से मैं न्यूज पढ़ रहा था, तो उसमें कह रहे हैं क्रिकेट अब यहाँ खेली जाएगी, अब क्रिकेट वहां खेली जाएगी, ये होगा वो होगा। उसमें हमने बीच में एक चर्चा शुरू करी थी, यार अगर बीच में कोई पॉजिटिव टेस्ट हुआ तो फिर ये सब बंद होने वाला है दोस्त। और पाकिस्तान में अब 3 लोग पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, तो उसके रिपरकशंस अब क्या है अब्दुल? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि रिस्क फैक्टर तो है और ये हमेशा से था। और पीसीबी के जो मेडिकल पैनल के सरबराह हैं डॉक्टर सुहेल सलीम, कल उन्होंने भी जूम सेशन किया तो उन्होंने ये माना कि ऑब्वियसली इस शख्स इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं है कि इस COVID-19 में कोई ट्रैवलिंग हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, कोई गैदरिंग हो, कोई स्पोर्ट्स हो, ऑब्वियसली रिस्क है वहां पर। और देखा जाए तो मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि शायद ये सीरीज इंग्लैंड के अलावा किसी दूसरे मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ होती तो इसका कोई सीन ही नहीं बनना था। बट इंग्लैंड फॉर टू रीजंस आई गेस, इंग्लैंड इस वजह से, एक तो उनका ये पीक पीक टाइम है। आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में हमेशा से ये जो हमारी गर्मी वाले सीजन है जून, जुलाई, अगस्त, ये मोस्टली हम या तो बाहर खेलते हैं या हम नहीं खेलते। तो इंग्लैंड का तो ये पीक टाइम था और उनके लिए 380 million pounds तक का जो एक लॉस, 300 postponed हो गया, आई थिंक वो डेस्परेट थे। एक चीज उन्होंने ये जरूर की जिसका क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को कन्विंस कर लिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। और ऑब्वियसली उसके बैक पर दो तीन चीजें मुझे नजर आई कि चैंपियंस लीग है, बुंडस लीगा शुरू हो गई, ऑब्वियसली वहां भी कुछ केसेस निकले लेकिन वो कैरी ऑन होता रहा। क्रिकेट अभी हुई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अभी भी वेस्ट इंडीज की और इंग्लैंड की सीरीज का जब तक पहला बॉल नहीं फेंका जाता, पहला दिन नहीं हो जाता, तो ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि पता नहीं वहां भी कुछ ना हो जाए। आई थिंक ये बड़ी सीरियस ही बात है, आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया का मुझे इस वक्त सॉरी अपडेट नहीं कि वहां कितने केसेस आखिरी 3-4 दिनों में आए हैं, लेकिन जो एक इंडिया पाकिस्तान का रेशियो है वो काफी हाई चल रहा था। और मुझे जाती तौर पर ये खदशा था कि किसी भी ग्रुप का जो है ना, अगर इस वक्त 25-30 आप टेस्ट कराएंगे कोविड के, तो ये ऑब्वियस बात है कि एवरेज भी जो इस वक्त मुल्क में बना हुआ है एक टेस्टिंग के लिहाज से, 2-3 पॉजिटिव आने ही आने थे। अब इसमें दो बातें हैं, ऑब्वियसली अब जो हमारे ऑब्वियसली 29 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था इसी वजह से कि आपके पास एक चॉइस रहेगी, एक आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेंगे। अब 5 में से 3 जो है वो पॉजिटिव आए हैं, 2 नेगेटिव हैं। इट्स अ बिग रेशियो, 50% तकरीबन ये बन जाता है अगर आप 5 को, बल्कि 50 से भी ज्यादा। आई थिंक बड़ी हद तक डिपेंड करता है कि अब 29 का जो पूरा स्क्वाड है, आई थिंक ऑफिशियल्स पे तो सिवाय हेड कोच के अलावा शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वहां आप चेंजेस कर सकते हो, तो प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं। और अनसर्टेनिटी है, एक नया इसमें मोड़ आया है, पहले लग ये रहा था कि स्मूथली हो जाएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज पहुंचा, वेस्ट इंडीज के अंदर आपको पता है कोरोना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश में, श्रीलंका में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन अनसर्टेनिटी है। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जब तक ये सीरीज होती नहीं है, चाहे वो वेस्ट इंडीज वाली हो या पाकिस्तान की सीरीज की अगर हम बात करें, तो सवालिया निशान तो जुड़ा हुआ है। और ये जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में कहा है कि कोरोना इन लाइफ हैज टू गो ऑन फॉर सम टाइम, तो लगता यही है कि या तो हमें इसके साथ ही कुछ अरसे के लिए गुजारा करना पड़ेगा, या अगर ये सिलसिला थोड़ा बढ़ गया तो फिर ऑब्वियसली प्लेयर्स की सेफ्टी और हेल्थ, जिसका पीसीबी ने भी कल भी ये कहा कि अगर कोई इस पे डाउट्स हुए तो वी कैन पुल आउट फ्रॉम टूर, ये ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन चूंकि ग्रीन सिग्नल दे दिया हुआ है, कंसेंट दे दिया हुआ है, सो लेट्स सी अगले 24-48 घंटों में हमें शायद कोई एक मेजर डेवलपमेंट या फाइनल डिसीजन मिल जाए।
निखिल, ऑफकोर्स मेजर डेवलपमेंट जब आएगी उसके बारे में ऑफकोर्स चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो आपके 3 पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द रिमेंडर ऑफ द टीम. चाहे आप नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सर, आपके ऊपर एक इम्पैक्ट बिल्कुल। आने वाला है और जैसे साइकोलॉजिकली हम वाला. सुन रहे थे अब्दुल गौर, जैसे उन्होंने बताया कि अभी आप जो रेशियो देख लें 50 से भी ज्यादा है, अगर आप उसके आसपास ही माने माने कि चले उतना 50 नहीं भी होता, आप 29 का स्क्वाड लेके जा रहे हो, 10 प्लेयर भी निकलते हैं तो आपके पास इनफ प्लेयर तो होने चाहिए ग्राउंड में डालने के लिए। और अगर वो निकलते हैं, और ये भी नहीं कि ये रिस्क टेम्परेरी है, तो चलो माने कि आपके पास फिर भी अगर 15 प्लेयर बच जाते हैं कि आप तौर पे जा सकें, फिर भी ये भी नहीं पता कि अगला फिर कौन पॉजिटिव टेस्ट करता है। आपको फ्लाइट लेनी है, आपको होटलों में रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसका फ्यूचर बहुत अनसर्टन है। एक चीज थोड़ी पॉजिटिव है इस लिहाज से मैं देखूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि भाई प्राइम मिनिस्टर तक जो कि एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि आपको रहना ही है कोविड के साथ, तो एक यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइन ये आता है कि दे विल ट्राई एंड डू द टूर जब तक पॉसिबल है। जब तक पॉसिबल यानी इतने इनफ प्लेयर्स हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ये टूर हो जाए। तो इतनी जल्दी आई डोंट थिंक, अगर 5, 6 या 7, 8 भी निकल जाए कि दे वॉन्ट टू पुल आउट, इतनी जल्दी नहीं। हाँ, उससे ज्यादा हो जाए और ऐसा सीरियस इश्यू हो जाए कि आपके उतने प्लेयर्स ही ना हो, देन दे मे थिंक ऑफ इट। बट आई थिंक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग वही हम कह रहे थे ना, हमने किसी ने ये सोचा नहीं कि क्या होगा जब कोई पॉजिटिव आएगा। अब व्हाट्सएप पे ही था, लेकिन बिकॉज इतने टाइम से नहीं हुआ और फाइनेंशियल क्रंच सब झेल रहे हैं। मैं आपको टेनिस का एग्जांपल दे लेता हूं, इस वक्त टेनिस का सबसे बड़ा विलन बन गया है नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड नंबर 1, जिसकी पीआर सबसे अच्छी है, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, वो इस वक्त सबसे बड़ा विलन है। बिकॉज उन्होंने एक वो चीज कराया, एक टूर्नामेंट अपना कराया, वहां पार्टी भी हुई, प्लेयर मिल रहे हैं, सब पॉजिटिव निकले। अब ये हो गया है उसका असर कि शायद यूएस ओपन ना, तो आपने सबको एंटागनाइज कर दिया, पूरी टेनिस वर्ल्ड को, चाहे वो यूएस ओपन ऑर्गेनाइजर्स हो या वो बाकी प्लेयर्स हो जो खेलना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, आगे भी आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। आई थिंक एज ह्यूमंस हम थोड़े नॉर्मलाइज कर लेंगे इसको कि भाई ठीक है, कोविड हुआ, किसी को भी हुआ, जैसे कोई भी बीमारी है होती है, आप जाएंगे ठीक होके आ जाएंगे, लेकिन विल यू हैव इनफ नंबर्स ये नहीं पता। एंड विल कंट्रीज, अदर थिंग इज विल कंट्री रिस्क कि जो प्लेयर उस लेवल के नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट से, आप क्या और प्लेयर्स लाते रहोगे, जिसका मतलब ये है कि इसमें डिसएडवांटेज आ जाएगा। क्या पता एक टीम के ज्यादा कोविड प्लेयर्स पॉजिटिव ना हो, यानी वो अपनी ए टीम खिलाएंगे, और ये भी हो सकता है दूसरी कंट्री को बी टीम खिलानी पड़े। तो कौन चाहेगा, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि भाई इंग्लैंड का टूर करो विद अ लेसर नोन टीम, एंड इंग्लैंड पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रही है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीजन होगा व्हेन दे डिसाइड कैसे होगा। फार्स फार्स हो जाएगा ना सर, बेसिकली वंस यू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दैट देन इट बिकम्स अ कंप्लीट फार्स. लेकिन अब्दुल आपसे एक पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे भी यहाँ पे मीडिया में, एक तो ये बात, हम लोग सब यहाँ पे मीडिया में काम करते हैं, मीडिया में जो बात आती है और असली बात के बीच में ना काफी गैप होती है, ठीक है सर? और मीडिया में क्या बात आ रही है, मीडिया में बात आ रही है कि द वर्ल्ड नीड स्पोर्ट्स एट दिस टाइम. तो ये हमारे जो लड़के खेलने जा रहे हैं, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, पाकिस्तान हो गया, दे आर डूइंग द सेम थिंग्स जो फ्रंट लाइन पे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लाइक योर मेडिकल पीपल एंड द पीपल हु आर हेल्पिंग आउट ऑन एवरीडे बेसिस. पर सर, सच्ची बात ये है या सच्ची बात ये है कि पैसा है, और पैसा अपने को नहीं दिख रहा बॉस, तो पैसे के लिए अपने को जाना पड़ेगा, और इसका मतलब अगर अपने 24 के मोस्ट टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको जोखिम में डालना है तो डालेंगे. देखिए, इसमें कोई इंकार नहीं है इस बात में कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ी डेस्परेशन के अंदर ये दोनों सीरीज के लिए बोर्ड को कन्विंस किया. और आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान है, वो लेस्टरशायर काउंटी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे. दे हैव अ गुड पीआर, गुड रिलेशनशिप विद द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, उनके साथ काम कर चुके हैं. तो ये भी एक फैक्टर जरूर है कि एक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को यहाँ आसानी रही. मुझे लगता है वेस्ट इंडीज को तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियली जो भी लोन और सारा कुछ हेल्प थी वो करके उन्होंने उनको ईज आउट किया. पाकिस्तान में मुझे लगता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये फायदा रहा कि यहाँ वसीम खान मौजूद थे, जिनका एक अच्छा रिलेशनशिप है विद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड. आई एम नॉट टॉकिंग नेगेटिव अबाउट वसीम खान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड रिलेशन कैन हेल्प यू टू अचीव योर डिजायर गोल. तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को वो हेल्प हुआ. अब देखिए, एक चीज तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कल मेडिकल शोबे के सरबराह, जिनका मैंने नाम लिया डॉक्टर सुहेल सलीम, ने कल ये एम्फसाइज किया कि इट्स अ रिस्क, ये है रिस्क. और ऑब्वियसली उन्होंने सच बोला तो लोग आपको थोड़े उनके खिलाफ भी हो गए कि पीसीबी को शायद चाहिए था कि उनको इतना सच ना बोलने देते. बट आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि पीसीबी का मेडिकल पैनल का जो हेड है उसने आके ओपन बात की है कि यार इट्स अ रिस्क, हम कोशिश करेंगे कि अगर तमाम एसओपीज होते हैं ना, एश्योर यू, जो मेरी पीसीबी से हमेशा बात हुई है उनके टॉप ऑफिसर से, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये सीरीज 100% डाउन है. उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो इसकी एसओपीज हैं
इसके जो COVID-19 के टेस्ट है, आई डोंट नो कि अगले 24 जो टेस्ट है उनमें कितनी रेशो रहती है। जस्ट होप एंड प्रे के सब लोग खैरियत से हों, सब लोग के टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए। हमें यहाँ इस पर नेगेटिविटी की जरूरत पड़ गई है क्रिकेट के अंदर इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। तो लेट्स होप कि वो नेगेटिविटी आती है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 29 में से शायद एक आध कोई, जो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि जो एक ग्राफ या स्केल है इस पर COVID-19 का सब कॉन्टिनेंट या दुनिया भर में, कि जहां 30 टेस्ट आप कराएंगे इट विल बी अ मिरेकल कि उनमें से कोई सब लोग क्लियर हो जाए। क्योंकि देखे ना, उन तीनों की भी सिम्टम्स कोई नहीं थी, दे आर डूइंग फाइन। उनमें से एक प्लेयर से मेरी बात भी हुई, इज ओके, इज डूइंग ट्रेनिंग, वो ठीक है उनका मोरल, लेकिन बीमारी बड़ी अजीब है कि आपको नहीं पता कि आप किसके लिए एक जो है वो डेंजर हो सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना कैंप लगाना था उसका इरादा मुलतवी किया कि नहीं लगाते जनाब, अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट है। पीसीबी ने डाउट्स की वजह से उसको अवॉइड किया कि नो, हमें यहाँ के बजाय फिर इंग्लैंड को फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली आई थिंक आप दोनों इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले में इंग्लैंड में कोई भी चीज प्लान और एग्जीक्यूट या उनकी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उनके पर फैसिलिटीज हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। अब यहाँ तो क्रिकेट नहीं रही ना, अब यहाँ तो एयरपोर्ट पे भी SOP, चार्टर्ड प्लेन पे आपकी सारी चीजें होंगी, आपको वहाँ ग्राउंड स्टाफ कितना आपका वहाँ एजुकेटेड है, क्योंकि आप तो जब जब जहां से गुजरेंगे तमाम लोग आपके ऊपर स्टेक होल्डर हैं। तो मुझे यही लगता है कि रिमेनिंग टेस्ट विल बी की। पाकिस्तान इज कीन टू गो फॉर टू रीजंस, ऑब्वियसली दे वांट टू सपोर्ट इंग्लैंड इन दिस टफ टाइम, क्योंकि पाकिस्तान का एक टफ टाइम रहा है और हमें रिसेंटली उससे थोड़ा सा निकले हैं। हमारी एक दो सालों में इंटरनेशनल सीरीज शुरू हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग एंटायरली पाकिस्तान में आया, so it will, it, I think you can count as a golden opportunity to help someone like England Cricket Board, कि जो आपके इस पर एक, ये अगेन वही बात है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ना डेलीकेट करना पड़ेगा। एक तो ये है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक वो कि अंधी सपोर्ट कर रहे हो। आई थिंक अंधी सपोर्ट नहीं होनी चाहिए अगर आपके प्लेयर्स को यहाँ पे मजीद टेस्ट आते हैं। दूसरा मेरा एक और भी क्वेश्चन है जो मैं अभी किसी एक डॉक्टर से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब से 15 दिन पहले भी कुछ टेस्टिंग करा लेनी चाहिए थी। उससे आपको होता ये कि आपको नियर 28 तारीख को टीम ने जाना है, आप 23 तारीख को या 22 तारीख को टेस्ट करवा रहे हैं, अचानक से 3 प्लेयर सीरीज से बाहर हो गए, ये 14 डेज के अंदर आप इससे ठीक हो जाते हैं। आप देखें ना, बहुत बड़ा रेशो ऐसा है जो लोग ठीक हो जाते हैं। तो शायद मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहे वो कैंप नहीं भी लगा था, टेस्ट करा लेने चाहिए थे 15 दिन पहले बिफोर डिपार्चर ऑफ द टीम। आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती कि यार आपके 29 में से अगर 3-4 आए भी हैं तो शायद जाने से 2 या 3 दिन पहले अगर उनके टेस्ट दोबारा जो है वो क्लियर हो जाते हैं, दे कैन फ्लाई। लेकिन जो आपकी बात है, उस सवाल पे मैं वापस आऊंगा, इट्स अ ट्रुथ कि पैसा बहुत जरूरी है क्रिकेट बोर्ड्स के लिए। वर्ल्ड T20 इस साल नहीं लग रहा, एशिया कप की बातें तो बहुत हो रही है, मुझे लगता है कि अब वो और ज्यादा डैमेज होगा। तो जिनके पास पैसा है और वो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, आई थिंक वो तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेंगे बोर्ड्स। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो या ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लें कि वहां जो प्रॉब्लम्स हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक तो कह रहा है हम ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शायद कोशिश की है कि इस वक्त क्रिकेट को वो लिंक कर लें और टूर्स को विद देयर गुड रिलेशनशिप फॉर द फ्यूचर। इंग्लैंड का टूर अगर ये हो जाता है अगर SOPs के साथ, तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसे रिलेशनशिप में आ सकता है जहां वो इंग्लैंड को 2022 में जब होस्ट करने की बात कर रहे हैं विद वसीम खान PCBCO, it's a good chance in future give and take के लिहाज से उनको चीज मिल जाए। बट आई थिंक मैंने अगेन इस बात को मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा कि आप सपोर्ट करें, लेकिन थोड़ी सी ब्लाइंड सपोर्ट ना हो। आप पहले अपने घर को ठीक रखें, अपने प्लेयर्स की सेफ्टी और हेल्थ को रखें, पैसा भी जरूर देखें लेकिन प्लेयर सेफ्टी और हेल्थ पहले होनी चाहिए। सर दुनिया का असूल है पैसा बोलता है, वरना निखिल नाज जैसा बंदा हमारे शो पर ना आता। सिंपल सी बात है यहाँ पे। सिर्फ मैं वो छोड़े, मैं आप खुद देखे ना, आपको भी काम मिल रहा था तो आप इतने दिन से लगे हुए थे, ले आओ क्रिकेट वापस शुरू करो हैं। बट यू नो, बट निखिल द वन पॉजिटिव इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द सीरीज पर्सपेक्टिव, ओनली सीरीज पर्सपेक्टिव, कि ये जो हादसा, मैं हादसा बोल रहा हूँ, मे बी इज नॉट अ हादसा, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये घर में हुआ है, ये इंग्लैंड में नहीं हुआ है। तो अभी भी आपके पास टाइम है कोर्स करेक्शन करने का, चाहे आप प्लेयर्स लाएं ना लाएं वो दूसरी बात है सर, वो तो बाद की बात है, पहले कोर्स करेक्शन है कि आप सबको सेफ करें और एक सेफ यूनिट को इंग्लैंड भेजे, ताकि इंग्लैंड में लोग कहें कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री विच इज सो हेविली इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस, देन वी कैन फील सेफ इन एक्सेप्टिंग यू गाइस आल्सो।
सही है एंड आई थिंक एक मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा इन्होंने जैसे बताया अब्दुल ने कि आप अगर यही चीज 15 दिन पहले करते ना टेस्ट तो बेटर होता, तो आपके पास एक चांस था टू रिकवर ऑल्सो कि आप रिकवर करके वो टीम को अब आप ले जाते, लेकिन अब आपने किया है तो आई डोंट थिंक दे हैव इनफ टाइम कि मान लें आप 7 8 10 अगर कोई भी आते हैं और ना अभी आए अगर 3 भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आपके लिए तो ये 28 तक तो जाने से फिट नहीं होंगे। फायदा ये है कि काफी टाइम इन्होंने वहां पे स्पेंड करना था इंग्लैंड में बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच वाज प्लेड, तो एक थोड़ा सा वो बफर है तो शायद ये एडवांटेज मिल सकता है कि एक सेट ऑफ प्लेयर्स जाएं पहले और फिर दूसरा सेट वहां पर चले जाए। अब ये देखना पड़ेगा कि पीसीबी का कितना बड़ा रिजॉल्व है। दूसरी बात जैसे यू नो दो चीजें हैं, एक तो आप हेल्प करना चाहते हो इंग्लैंड को वो आप करना चाहोगे, दूसरी अगर धीरे धीरे इकोनॉमी शुरू भी हो रही है पैसे वापस भी आ रहे हैं वो जो व्हील है वो वापस शुरू हो रहा है तो आप उसको मतलब यू वांट टू गिव योर 100% टू स्टार्ट इट, तो इस लिहाज में आई थिंक आई एम सीइंग इट मोर पॉजिटिवली कि ठीक है ये आ गए हैं 3 शायद इससे ज्यादा भी हो, फिर भी मुझे लगता है पीसीबी इज गोना ट्राई इट्स बेस्ट टू इंश्योर कि उनकी टीम वहां पर जाए और ये सीरीज हो। लेकिन अब एक वो क्या कहते हैं ना इनका जो एक्सपीरियंस है इसको लेकर बाकी बोर्ड्स अब जैसे बीसीसीआई है इसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ हम लगातार बातें कर रहे हैं ना कि अब तो भी आईपीएल होना ही है सितंबर में, वर्ल्ड T20 का पता नहीं, एशिया कप का पता नहीं, टच वुड कर लो आईपीएल सर, टच है ना, वुड। आईपीएल होना है। अब इसके बाद और जब पूरे रिजल्ट आएंगे तो जो यहाँ पर डिसीजन मेकर है दे विल हैव टू कीप दैट आल्सो इन माइंड ना कि अब आप आईपीएल करना चाहते हो अगर प्लेयर निकलता है एक पॉजिटिव तो क्या करोगे, व्हाट इज योर बैकअप प्लान। आई डोंट थिंक एनीवन हियर आल्सो थॉट ऑफ द बैकअप प्लान। अब वो चीज लेकर थोड़ी चिंता होगी कि अब क्रिकेट कैसे वापस आएगा, बाकी स्पोर्ट कैसे वापस आएंगे। अब्दुल आपसे एक सवाल पूछना है क्योंकि आप पहले कह रहे थे कि यू वर टॉकिंग टू प्लेयर्स एज वेल। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि आप हमें प्लेयर्स का नाम बताओ, एंड ऑफ कोर्स एवरी प्लेयर ऑफिशियली इज ऑन बोर्ड एंड द डिसीजन वाज देयर्स इफ दे वांट टू ट्रैवल विद द टीम टू इंग्लैंड, बट ऑफ कैमरा यू नो जस्ट जस्ट बिहाइंड क्लोज डोर्स ऑन अ वन ऑन वन इक्वेशन, व्हाट इज द सेंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम सम ऑफ द प्लेयर्स? क्या उनको लग रहा है कि यार एक तरीका ये है अगर हमने मना कर दिया तो शायद आगे जाके सिलेक्शन पे इश्यू आ सकता है दोस्त, एंड दिस कुड बी अ प्लेयर हु इज नॉट ब्रोकन इनटू द टीम येट, जो अभी भी सोच रहा है कि मैं दरवाजे में अभी कैसे घुसूं, तो ऐसा कुछ सेंस है टीम में कि एवरीवन इज 100% ऑन बोर्ड टू गो एंड प्ले? देखिए एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टॉप मैनेजमेंट है इन्होंने इस चीज को वक्त से पहले मीडिया में लाकर या डिबेट शुरू की, प्लेयर्स या मीडिया को भी ऐसा ऐसा तकरीबन 2 महीने पहले ही जो है वो एक थॉट प्रोसेस आना शुरू हो गया कि यार ऐसा नहीं है कि अब क्रिकेट नहीं हो सकती या बिल्कुल नहीं होगी। आई थिंक इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं अब आगे जाके ये क्रेडिट बनेगा या खुदा ना खास्ता ये अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कहीं ये गले पड़ जाए, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनिशिएटिव लिया। जब वेस्ट इंडीज ने भी अभी कंसेंट नहीं दिया था, वसीम खान आई थिंक उनके जो कुछ शुरू के इंटरव्यूज थे मैंने भी उसमें जब उनसे बात की थी मेरे शो में आए थे तो उन्होंने कहा कि देखें हमने कंसेंट दिया है कि हम वे आर विलिंग टू हेल्प इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंड वी आर विलिंग टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि हमारी भी क्रिकेट बहुत अरसे से नहीं हुई है, हमें भी जब क्रिकेटर्स से बात होती है तो बल्कि उलट है, यहाँ पर क्रिकेटर्स की मेजोरिटी का स्पेशली हमारे हेड कोच की जब ब्रीफिंग हुई प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जब लूप में लिया, एक बात तो वहां जरूर हुई कि हमारे यहाँ चूंकि क्रिकेट की प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, आप कितना अरसा जो है वो किसी भी प्रोफेशन से दूर रह सकते हैं। आप अपनी और मेरी बात कर लें, आप और मैं अगर दफ्तर नहीं जा रहे तो अगर हमें घर में भी जूम या ये आज इंटरनेट ना होता तो यार हम ऑब्वियसली एक एक पीक टाइम आता जहां बोलते हैं नहीं यार आई थिंक हमें अब फाइनेंस भी देखना है, हमें अपनी जॉब भी देखनी है, हमने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखनी है, हम भी इस जगह पे आके नहीं रुक सकते। तो प्लेयर्स का भी कहीं ना कहीं ये फीडबैक था कि हमें क्रिकेट मिले और हम ट्रस्ट करेंगे इंग्लैंड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वंस दे गिव अस बायोसिक्योर एनवायरमेंट, तमाम ब्रीफिंग हो। और देखिए बड़ी खुली बात थी कि अगर आप नहीं जाना चाहते आप ना जाएं, आरएस रऊफ नहीं गए, उनका सीधा सीधा एक, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले पर्सनल रीजन लिखा लेकिन जब हमने उसको खोज लगाया तो वो क्लियर नो था उनकी फैमिली का कि नो वी डोंट वांट कि हारिस वहां पर जाएं। लेकिन जब किसी भी इंसान की हेल्थ का मामला आ जाए, आप मैं समझता हूँ कोई भी इंसान जिसका कोविड टेस्ट एक ग्रुप का हुआ हो और आपके एक दिन पहले वाले के 3 के उसमें जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपके अंदर नेचुरल है एक, आप इंसान अपनी सेहत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है तो वो जरूर ये सोच रहा होगा यार कि पता नहीं मेरा अब क्या होगा, या मैं ठीक हूँ मुझे हो गया तो मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा, कहाँ भी मैं इंग्लैंड जा रहा था और कहाँ मुझे एकदम घर में रहना पड़ेगा,
मुझे वो सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी। आई थिंक ये इस वक्त पूरी दुनिया का ये हाल है। आई थिंक हम इसको क्रिकेट को जरूर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है, हमारे ऑब्वियसली प्रोफेशन में है, लेकिन आई थिंक ये इस वक्त हर फील्ड का मामला हो गया है। हम जब शोज भी करते हैं तो वहां भी हमें ये चीज अब फेस करना पड़ रही है कि ऑब्वियसली आप गेस्ट नहीं बुला सकते, लेकिन कभी आपको गेस्ट बुलाना पड़ जाए तो वो रिस्क है। इसी तरह फुटबॉल लीग्स हो रही हैं, टेनिस की जैसे निखिल ने बात की कि वो जोकोविच और नडाल फेडरर पे तो आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं की थी, लेकिन जोकोविच सडनली जो है वो एक नेगेटिव उनके व्यूज आने शुरू हो गए मीडिया के लोगों के, शायद जोकोविच को ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। आई थिंक ये बड़ा मुश्किल मरहला है, वी शुड अंडरस्टैंड के इसका पता कोई नहीं है ये वायरस कब खत्म होगा। आईसीसी ने अलग कंफ्यूजन फैली हुई है कि वो वर्ल्ड T20 करा भी नहीं रहे और कह भी नहीं रहे कि हम नहीं कराना चाह रहे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज ने एटलीस्ट चले ये तो जरूर शो किया कि दे ट्रस्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड के उस आई थिंक जो मैंने पहले बात की कि डेवलप कंट्री है हम, पाकिस्तान बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया सॉरी श्रीलंका के मुकाबले में हम ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे यार, कि अगर वो कह रहे हैं कि बायो सिक्योर है तो होगा, वहां पे प्रोफेशनलिज्म है, वहां लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अब हमारे यहाँ देखें ना सब कॉन्टिनेंट में बात होती है कि लोग हमारे आपके बॉलीवुड स्टार्स भी शुरू में यही बात कर रहे थे, बल्कि चीख रहे थे, अक्षय कुमार का मुझे वीडियो याद है कि भाई घर बैठ जाओ यार, भाई मास्क पहन लो यार। तो हमारा तो ये भी कल्चर प्रॉब्लम है ना, और यही चीज हमारे प्लेयर्स पे है। मुझे ये डाउट रहेगा, निखिल ने बड़ी सही बात की कि जब आईपीएल का मामला आएगा, रियली विश कि उस वक्त तक पूरी दुनिया में, भारत में, पाकिस्तान में ये वायरस कंट्रोल हो चुका हो, लेकिन अगर ये इसी स्टेज पे रहा और इसी तरह के टेस्ट किसी भी और मुल्क में होते हैं और वो जब आईपीएल खेलना आ रहे हो या भारत में जब होंगे, आपको मुझे सबको अंदाजा है कि वहां हमेशा ये डाउट रहेगा कि 100% क्लियर नहीं होंगे, और हमें अब ये फैसला करना है कि क्या तो हम सब लोग घर बैठ जाएं, हम किसी किस्म की एक्टिविटी ना करें, फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं वो भी एक बहुत बड़ी जो है वो इस वक्त रियलिटी बनकर आए हैं। दुनिया ने शायद इसको कभी प्लान ही नहीं किया था कि अगर हमें कभी पेंडेमिक आ गया तो हमें क्या करना है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि फाइनेंशियल बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी एयरलाइंस का तबाह हो गए अब देखे ना, लेकिन वहां पर चूंकि ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर आवाम का है, यहाँ एक याद रखिये कि ये सिर्फ एक क्लोज डोर सीरीज है जहाँ एक 25 लोगों को ही आपने सिक्योर करना है या 40 लोगों को, इंग्लैंड ने ऑलरेडी सिक्योर किया हुआ है, तो हमें पॉजिटिव थोड़ा सा होना पड़ेगा यहाँ पर इस जिंदगी की दौड़ को आगे रखने के लिए, क्योंकि अगर हमने बिल्कुल यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हमने सारी एक्टिविटीज रोक दी तो पैसे की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक साइकोलॉजिकल, अभी जब वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज अल्लाह करे के वक्त पर शुरू हो और जब हम देखेंगे तो आप और मैं भी एक बड़े फ्रेश, हमें एक एक हमारी जिंदगियों पे बीइंग अ जर्नलिस्ट खास तौर पर बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, हमारे पास नई बात करने को होगी, थोड़ा सा हम इस वायरस के जो एक ट्रॉमा है जितना हम इसको सुनते हैं, मैं तो खुद टीवी बंद कर देता हूँ कि यार कम ही देखें, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए लेकिन इतना ना देखें कि आपके ऊपर ये जो है वो हावी हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस झटके के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगेन रिपीट कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अगर आपके प्लेयर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ जाते हैं, एक रियल डेंजर है, फिर आप घर बैठे हैं, फिर आप रिस्क ना लें बल्कि ये फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास गुंजाइश निकलती है तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा चारा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। एक चीज और अर्जुन, अगर मैं ऐड करूँ ना, क्योंकि आप प्लेयर्स की बात कर रहे हो, अब क्या फ्यूचर होगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो शायद अब सारे प्लेयर्स इसको कंसिडर करें, वो ये है कि अभी भी, क्योंकि ये अजीब सी एक बीमारी है, ऐसे हम कह रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक बहुत लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। आप और मैं जर्नलिस्ट है, ठीक है, करेक्ट, आप और मैं जर्नलिस्ट है, हमें काम करना है, हो सकता है हम अगर यू नो रिस्क ले भी लें, क्योंकि हमें पता है ठीक है 14 दिन हम बैठेंगे, आराम करेंगे, दवाइयां खाएंगे, उसके बाद हम काम पे जा सकते हैं, लेकिन आप और हमें फिजिकल अगर कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ भी तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो डेस्क पे बैठ के काम करना है। बड़ा प्रोफेशनल एथलीट, कई अब ऐसे प्रोफेशनल एथलीट होंगे जो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ा था, जैसे हमें पता है कि अभी 100% पता नहीं, कई कह रहे हैं कि कईयों के लंग पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है या किसी और बॉडी पार्ट पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए 19-20 भी थोड़ा सा भी फर्क हो जाए ना चीज, तो उनका पता पूरा करियर चेंज हो सकता है। ये चीज अब कुछ प्लेयर्स ही डिसाइड कर रहे थे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर, क्योंकि अभी तक कोई केसेस आ नहीं रहे थे, चाहे वो बुंडेसलीगा हो, लालीगा हो, बहुत माइनर केसेस थे और जो हुए वो लीग शुरू होने से पहले हुए, अब इतने नहीं आए, बट अगर ये थोड़े स्प्रेड होने लगे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, अगर और ऐसे पॉजिटिव आते हैं, तब प्लेयर ये बात को लेकर डर जाए कि नहीं
एक ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए कि मुझे अभी खेलना है और मैं जाके खेल लूं, मैं अपना लॉन्ग टर्म नुकसान क्यों करूं। तो ये सोच सकता है कि ठीक है, कह रहे हैं कि साल भर लगेगा, वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, या इसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी, तो मैं रुक जाता हूँ एक साल, इट्स बेटर टू वेट फॉर वन ईयर देन रिस्क फॉर दैट मच। ये थॉट अगर आ गया ना प्लेयरों में, फिर थोड़ा और टफ हो जाएगा इसको वापस स्टार्ट करना। वैसे ऑन अ लाइटर नोट, बाबा रामदेव ने निकाल दिया जी वैक्सीन, सर निकल गई है वैक्सीन, कोरोना वायरस टाटा बाय बाय होने वाला है बड़ा जल्दी। उसमें मैं कुछ बोलूंगा तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाएगी, तो हमने हर चीज के बारे में यहाँ पे बात कर ली, इज दैट ये किस्सा अभी खत्म हुआ नहीं है, सो द बेस्ट वे टू से वुड बी टू बी कंटिन्यूड डॉट डॉट। Thank you.